उदाहरण छे गए चित्र अठाईस में x y z और a b c के मान ज्ञात कीजिए हल चित्र से स्पष्ट है y बराबर 110 अंश क्योंकि एक सौ दस अंश के कोण के साथ y संगत कोण है इसी तरह से चित्र से आप देख सकते हैं कि x और y रैखिक युग्म बनाते हैं इसलिए x धन y बराबर एक सौ अस्सी अंश रैखिक युग्म क्योंकि y का मान हमें 110 सौ अंश प्राप्त हुआ है इसलिए x धन 110 सौ अंश बराबर 180 सौ अंश या x बराबर 180 सौ अस्सी अंश ऋण एक अंश या x बराबर 70 अंश पुनः चित्र में आप देखेंगे कि कोण z जो है वो कोण x के साथ संगत कोण बनाता है यानि कोण Z और कोण X संगत कोण है इसलिए Z और X का मान बराबर होगा और इसलिए Z बराबर भी 70। अंश पुनः चित्र देखिए चित्र में आप देख सकते हैं कि कोण C पैंसठ अंश के कोण के साथ एकांतर कोण बनाता है अतः हम लिख सकते हैं कोण C बराबर पैंसठ अंश क्योंकि यह पैंसठ अंश के साथ एकांतर कोण बनाता है पुनः चित्र देखिए चित्र में आप देख सकते हैं कि कोण ए और कोण सी रैखिक कोण है इसलिए ए धन सी बराबर हम लिख सकते हैं एक सौ अंश क्योंकि ये रैखिक कोण है युग्म सी का मान हमें पैंसठ अंश मिल चुका है इसलिए हम लिख सकते हैं a धन पैंसठ अंश बराबर 180 अंश या a बराबर 180 अंश ऋण पैंसठ अंश या हम लिख सकते हैं a बराबर 115 अंश पुनः चित्र देखिए चित्र में आप देख सकते हैं कि कोण बी और कोण सी शीर्षाभिमुख कोण हैं, इसलिए बी बराबर हम लिख सकते हैं सी या बी बराबर पैंसठ अंश बी बराबर सी क्योंकि बी और सी शीर्षाभिमुख कोण है इस तरह से हमें कोण एक्स वाई जेड और ए बी सी के मान मिल गए इनके मान इस तरह से हैं ए बराबर एक सौ पंद्रह अंश बी बराबर पैंसठ अंश सी बराबर पैंसठ अंश एक्स बराबर सत्तर अंश वाई बराबर एक सौ दस अंश और Z बराबर सत्तर इंश यह उत्तर हमें प्राप्त हुआ